व्हाट्सएप वीडियो बिल्कुल कैसे तुम से। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेंज टेस्ट अपने मेटल 2 का, बेस बॉक्स 2 का एंड अपना मैनबॉक्स 15S का, क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में लगा है। जो अपना मेटल 2 वो ओमनी डायरेक्शनल के 60 dB एंटेना स्टॉक के साथ आता है, उसके साथ ये अनफोकस्ड हो गया। और जो अपना जो बेस बॉक्स 2 लगा हुआ है वो अपना लगा हुआ है अपना एयरमैक्स UBNT का 2G15 के साथ, जो कि 15 dB का एंटीना है। एंड अपना बेस बॉक्स जो 15S है वो अपना आता है 15 dB एंटीना 5 GHz के साथ। तो यहाँ पे सिर्फ अपने कंपटीटर्स में 2 एंटीना, हम लोग इसी डायरेक्शन पीछे की तरफ जाएंगे तो एक ओमनी का टेस्ट हो जाएगा और एक बेस बॉक्स टू का, तो क्योंकि बेस बॉक्स 2 का डायरेक्शन उस तरफ है, बट फिर भी देखेंगे कि क्योंकि 120 degree है तो आ जाना चाहिए। और जो क्या बोलते हैं मैनबॉक्स 15S है, क्योंकि वो भी इसी डायरेक्शन में, ये 120 है, तो इसका भी हम लोग रेंज टेस्ट करेंगे। किसका सिग्नल कहाँ पे आता है वो हमें पता चल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो साथ में बने रहो। सो गाइस, हम इसी लोकेशन के साथ आज इस तरफ जाएंगे, इसलिए मैं इस तरफ जाकर ट्रायल करके दिखा देता हूँ वो टेस्ट, अगर लोकेशन याद नहीं है और 10.03 का टेस्टिंग वीडियो नहीं दिखा तो चेकआउट कर सकते हो। खैर, अभी हम लोग टेस्ट करते हैं अपने नेटवर्क। फिलहाल के लिए कनेक्टिविटी बनेगा कि नहीं बनेगा वो अलग बात है, सिग्नल कहाँ तक मिलते हैं, क्योंकि जहाँ पे सिग्नल मिल रहा है वहाँ पे हम लोग CP लगा के एज ऑलवेज आई मैंशन हम लोग इंटरनेट दे सकते हैं। देखो, अपना जो S4 है पिछले बार वो था 10.03, बट इस बार SSID में हमने जो ट्रैक्स में S4 है, ये अपना मेटल 2 है ओमनी डायरेक्शनल, ये कनेक्टेड है। एंड S6 भी मिल रहा है 5 GHz, जो कि मैनबॉक्स 15S है। एंड जो S5 है वो है अपना बेस बॉक्स 2, तो इसे कनेक्ट करते हैं। कनेक्टेड डिक्लाइन, एंड क्योंकि अभी हमने मेन जगह पहुँचे नहीं है तो चल जाना चाहिए, उतना कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी सही चल रहा है। और घर हम लोग का इस तरफ है और आज हमारे साथ हमारे भाई भी है, तो काफ़ी सही है। तो अभी बेस बॉक्स 2 भी, मतलब ऑलमोस्ट जो बेस बॉक्स 15S से बेस बॉक्स सॉरी बोलो बेस बॉक्स 15S से ही काम कर रहा है 5 GHz, चेकआउट कर सकते हो। इन दोनों के सिग्नल आ रहे हैं एंड ये तो रिपीटर, इनका घर यहाँ पे जो पिछले बार बोला था इनके घर से सिग्नल आ रहा है। तो इस टेस्ट को थोड़ा और नेक्स्ट लेवल लेके जाते हैं, हम लोग यहाँ से कम्प्लीटली उस पार जाएंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ पे सिग्नल मिलता है। सो गाइस, हम लोग कम्प्लीटली दूसरी जगह में आ चुके हैं एंड यहाँ से हम टेस्ट करते हैं वाईफाई को। फिलहाल कोई अवेलेबल नेटवर्क नहीं है फोन का। अब यहाँ पे ये जो है ना, ये BSNL का एयर फाइबर का BSNL रजिस्टर पोर्ट, क्योंकि इनका ऑलरेडी काफ़ी हाइट में तो मिल जाता है। ये लोग यूज़ कर रहे हैं मैनबॉक्स 19S, जो हम भी यूज़ कर रहे हैं, बट वो दूसरे डायरेक्शन के लिए। इसका भी कभी रेंज टेस्ट लेके आएंगे आपके लिए, वो अपना ट्रैक्स ऑनलाइन का S3 वाला सेक्टर एंटीना है, उसमें SSID, तो वो इधर पर मूव ऑन नहीं है, तो इसलिए इसका सिग्नल यहाँ पर नहीं दिखा रहा। बट यहाँ पर आ गया मैनबॉक्स 19S, जो BSNL का एयर फाइबर है। गाइस, हम लोग रास्ते में आ चुके हैं एंड यहाँ पे मूव ऑन करते करते हमें जो बेस बॉक्स 2 है उसका सिग्नल मिल गया, जो कि ट्रैक्स ऑनलाइन S5 है। एंड यहाँ पे इसे रिफ्रेश करते हैं एंड इसे सिग्नल यहाँ तक आ रहा है, तो बहुत और ट्रैवल करके जाते हैं सामने में, देखते हैं कहाँ पे जाके। चलो, अभी ये बेस बॉक्स 2 भी चलेगी यहाँ से, और मैं तुम्हें गूगल मैप में भी दिखा दूँगा कि कितने डिस्टेंस में हम लोग हैं। यहाँ पे S2 का सेक्टर आ गया। सो गाइस, ये जो सेक्टर है ये तकरीबन उस डायरेक्शन में, तो इसका सिग्नल आ गया। ये भी बेस बॉक्स 2 ही लगा हुआ है अपना मैं वहाँ का लोकेशन में तुम्हें दिखा दूँगा। तो फिलहाल के लिए हमें यहाँ पे इस डायरेक्शन में आने के बाद कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है अपने घर से किसी भी सेक्टर एंटीना का, बट अगर हम लोग यहाँ पे CP यूज़ करेंगे तो उससे मिल जाना चाहिए। तो गाइस, यहाँ पे हमें अपने S6 का सिग्नल मिल गया, जो कि मैनबॉक्स 15S है, और ये एक्सिस यहाँ से मिल रहा है हम लोग का घर इस तरफ में। तो एक मिनट रुक, हम देख लेते हैं।
कल तो टावर लगाया था। हाँ कल वाला का यही है, S6 आ गया। अच्छा S4 भी आ गया, वाह काफ़ी बढ़िया है। ये ओमनी डायरेक्शनल मेटल 2 का सिग्नल आ गया। अब जबकि जो अपना ट्रैक्स S5 जो है वो कम्प्लीट उस डायरेक्शन में, तुम लोगों ने घर में देखा होगा, तो उसका यहाँ पे मिलना जाहिर सी बात नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे अपने 3 सेक्टर्स आ गए जो कि 70 फुट के हाइट में लगे हुए हैं, जो कि इतना भी हाइट नहीं होता किसी भी टावर का, आधा हाइट होगा। तो उसमें ये परफॉर्मेंस मिल रहा है तो काफ़ी सही है। अब हम आपको गूगल मैप में दिखा देते कहाँ पे कितना है सिग्नल। सो यहाँ पे जो है ना कि तुम लोग ये देखो, हम लोग करेंटली राइट ना इस लोकेशन पे, और मेरा जो होम है वो इस डायरेक्शन में तकरीबन यहाँ पे। तो यहाँ से अगर मैं मेजर करूँ तो डिस्टेंस को मेजर, सॉरी कहाँ गया अपने घर, यहाँ से ओके नहीं, तो राइट नाउ यहाँ पे 0.3 माइल अप्रॉक्स 450 मीटर के डिस्टेंस में, तो 450 मीटर के डिस्टेंस में हमें ये सब सिग्नल शो भी नहीं कर रहे। बट कभी कभार सिग्नल आ जाते, देखो अभी S4 आ गया और S2 भी आ रहा है, तो अगर CP लगाया जाए तो यहाँ पे सिग्नल रिसीव हो जाएंगे। तो ये रहा क्विक टेस्ट वीडियो ऑफ मेटल 2 मैनबॉक्स 15S एंड बेस बॉक्स 2। अभी देखो वो भी 15S भी आ गया।